यज्ञ की रचना की, सबको बुलाया, छोड़ ब्रह्मा विष्णु महेश, देवता विमान पर बैठकर कैलाश के ऊपर से जाने लगे। माँ सती ने पूछा, प्रभु ये देवता कहाँ जा रहे हैं? बाबा ने सब बताया। माँ ने कहा, प्रभु पिता के घर उत्सव है। जो प्रभु आए सो, यदि आपकी आज्ञा हो जाए नाथ तो मैं भी हो आऊं उत्सव में से। बाबा ने कहा, देवी पहली बात, आपके पिताजी ने हम लोगों को बुलाया नहीं है, लेकिन एक सिद्धांत आपको सुनाऊं देवी, जीवन में चार स्थान से भूल कर भी निमंत्रण नहीं ढूंढना चाहिए, चार स्थान पर बिना बुलाए जाना चाहिए। कहां? पिता के घर कोई उत्सव हो तो बिना बुलाए पहुंचना चाहिए, मित्र के घर कोई उत्सव हो बिना बुलाए जाना चाहिए, सद्गुरु के घर कोई उत्सव हो बिना बुलाए जाना चाहिए, और अपने स्वामी के घर कोई उत्सव हो रहा हो तो वहां भी बिना बुलाए जाना चाहिए। इन चार स्थानों से निमंत्रण नहीं ढूंढना चाहिए, परंतु देवी यदि जानबूझकर नहीं बुलाया गया है तो मैं कहता हूं ताहा गए कल्याण न हो, वहां जाने पर कल्याण होने वाला नहीं है। मां नहीं मानी, अंत में मुख्य गणों को बाबा ने साथ में देकर भेजा, पिता के घर गई, यज्ञ मंडप का दर्शन किया, सभी देवताओं का स्थान, रुद्र का कोई स्थान नहीं, मां का शरीर क्रोधाग्नि में भभक उठा। मां बोली, हे देवगण मुनिगण, ध्यान से सुनिएगा, आप में से जिसने जिसने बैठकर मेरे पति की निंदा की है अथवा अपने कानों से इनकी निंदा को श्रवण किया है, आप सबको दंड मिलेगा। मर्यादा कहती है, जिस सभा के मध्य में संत की, शंभु की और श्री हरि की निंदा हो रही हो, वहां बैठे हो, यदि भुजाओं में शक्ति और सामर्थ्य है तो निंदा करने वाले की जिह्वा काट दो, और यदि शक्ति नहीं है तो कान बंद करके चले जाओ। मेरे पति केवल मेरे पति नहीं है, जगत के पिता है, और आज मंदमती मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान किया, आज के बाद मैं इसकी बेटी के रूप में जीवित नहीं रहूंगी। इतना कह के सती मैया ने दाहिने पांव के अंगुष्ठ से शरीर में योगाग्नि को प्रज्वलित करा के, और मां ने अपने आप को सभा में जलाकर बस हाहाकार मच गया हो। मां का शरीर क्रोधाग्नि में, योगाग्नि में भवकने लगा। बाबा को पता चला, बाबा ने वीरभद्र को भोजा, वीरभद्र बाबा के गण आए, सबसे पहले यज्ञाचार्य की दाढ़ी नोची, जिस यज्ञ में रुद्र का वाहन नहीं हो आचार्य बने हो, दाढ़ी नोच ली, पूसा नाम के देवता के दांतों को तोड़ दिया मारकर, किसी का आंख फोड़ा, किसी का पांव तोड़ा, किसी का हाथ तोड़ा, किसी का पीठ तोड़ा, दक्ष के सिर को वीरभद्र ने हाथ से पकड़ा घुमाया और धर से सिर को उखाड़ कर अग्नि कुंड में ले जाकर यज्ञ की पुनराहुति कर दी। यज्ञ विध्वंस होने लगा। बाद में यज्ञ को बचाने के लिए, यज्ञ नारायण है ना, हो उनकी रक्षा करने के लिए भगवान श्रीहरि, भगवान शिव का आवाहन हुआ, यहां दर्शन करिए, मैया प्राण छोड़ने से पहले राम जी से वरदान मांगते, प्रभु जन्म जन्म शिव पद अनुराग। हे राघव जी, मैं आपसे इसलिए वरदान मांग रही हूं कि मैं जानती हूं मेरे स्वामी आपको भगवान मानते हैं, आप उनको भगवान मानते हैं, वो आपको भगवान मानते हैं, और मैं जानती हूं यदि आप कह देंगे ना तो वो ना नहीं कहेंगे, आप मुझे वरदान दीजिए प्रभु, अगले जन्म में भी मैं उनकी ही चरणों की दासी बनूं, इसके अलावा मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। दक्ष का सिर उखड़ गया, बाद में बकरे का सिर लगाकर रखा गया उस पर।
दक्ष का शरीर मनुष्य का, सिर बकरे का, अब बोली बदल गई। बकरा जैसे गाल बजाने लगता है, दक्ष गाल बजाने लगे। भगवान शंकर देखे तो उनको हंसी आ गई। बाबा के गण सोचे इस प्रकार का साउंड होने से हमार बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। तब से लेकर आज तक बाबा के भगत उनके सामने गाल बजा बजा कर उनको प्रसन्न करते रहते हैं। तब से परंपरा चल पड़ी। राम जी ने कहा, सती जी आपके पिताजी जीवित हो गए हैं, बकरे का सिर लग गया है उनको, अगले जन्म में भी उनकी ही बेटी बना दो। बोले भूल कर भी नहीं, दक्ष की बेटी हूं इसलिए शरीर छोड़ रही हूं, पत्थर की बेटी बनाइएगा स्वीकार है, लेकिन दक्ष की बेटी मत बनाइएगा। इसी वरदान के कारण सती मैया का अगला जन्म हिमांचल महाराज के घर में पार्वती मैया के रूप में भया है। आइए एक बार भाव और श्रद्धा से बोलिए, पार्वती मैया की जय। नारद जी पहुंचे हिमांचल जी के घर में। हिमांचल जी ने पार्वती जी को बुलाकर कहा, तनिक मेरी बेटी की हाथ की रेखा देखिए तो दोष गुण बताइए। नारद जी बोले, आपकी बेटी समस्त सद्गुणों की खान होगी, उमा अंबिका भवानी नाम होगा, इनका सौभाग्य खंड होगा, संसार की स्त्रियां आपके देवी के नाम, बेटी के नाम का स्मरण करके पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी, आपकी बेटी की सर्वत्र पूजा होगी। हिमांचल जी बोले, हम दोष पूछे थे। नारद जी बोले, होगा तब न बतावेंगे, इनमें तो नहीं है लेकिन इनके पति में थोड़ा दिखाई दे रहा है, कहिए उनका बतावे, कहिए। नारद जी स्वरूप है अगुना अमाना मातु पितु हीना उदासीन सब संसय छीना। अब यहां एक निवेदन करूं आपसे माई बाप, बात वो नहीं होती जो कही जाती है, बात वो होती है जो सुन के समझ ली जाती है। कहने वाला अपनी चेतना से कहता है, सुनने वाला अपनी चेतना से अर्थ निकालता है। नारद जी बोले, अगुण होंगे यानी सतरज तम दीनों गुणों से परे होंगे, त्रिगुणातीत होंगे। हिमांचल समझ गए उसमें कोई गुण नहीं होगा। नारद जी बोले, अमान होंगे, मान सम्मान से परे, हिमांचल समझे उसका कोई सम्मान नहीं करेगा। नारद जी तीसरका और खतरनाक बोले, उनके माई बाप नहीं है, थे अब नहीं है ना, शुरू से ही नहीं थे, मातु पितु ही ना, उदासीन संशय रहित जोगी होगा, उसकी विशाल जटाएं होंगी, नंगा रहेगा, कुछ नहीं पहनेगा, अमंगल रूप बनाकर घूमेगा। मैं नहीं बोल रहा हूं, आपके बेटी की हाथ की रेखाएं बता रही हैं। हिमांचल मैना रोने लगे दुख में, पार्वती जी रोने लगी सुख में। मन में सोची, जगता है राम जी से जो वरदान मांगा था वो राम जी ने प्रदान कर दिया है, जो जो लक्षण है सब हमारे बाबा में विद्यमान है। नारद जी से हिमांचल जी थोड़ा साइड में ले गए, किनारे में, बोले कोई उपाय है दुल्हा चेंज करने का, स्कीम, पूजा पाठ, कोई उपाय हो। नारद जी बोले, क्या बोले, कह मुनि सही मवंत सुनो जो विधि लिखा। नारद जी ने कहा, मेरे पिता ब्रह्मा जी ने आपकी बेटी के भाग्य में जो लिख दिया है कोई मिटा नहीं सकता, दूल्हा तो यही बनेगा। लेकिन मैं एक बात बोलूं, जो जो मैंने दूल्हे के दोष बताए हैं वो सब शंकर जी में विद्यमान है, और यदि बाबा से आपकी बिटिया का विवाह हो गया ना तो कल्याण हो जाएगा। हिमांचल जी बोले, कैसे विवाह होगा? बोले, यही बताने के लिए आया हूं, यदि पार्वती जी तपस्या करेंगी तो भगवान शंकर अवश्य प्राप्त होंगे। ऐसा सुनकर मेरी मां पार्वती ने कठोर तपस्या की।
हजारों वर्ष माँ ने वन में जाकर छोटी आयु में तपस्या की, आकाशवाणी ने मेरी माँ को वरदान दिया, आपकी मनोकामना पूर्ण हुई भवानी जी। इधर सती मैया का शरीर शांत होने के बाद भगवान शंकर को वैराग्य आ गया, जहां तहां जाकर लगे भगवान की कथा गाने सुनने। एक दिन राम जी प्रकट होकर के बोले, बाबा मैं कुछ मांगूंगा तो देंगे? शंकर जी बोले, आज्ञा करिए प्रभु। राम जी ने कहा, जाए विवाह हो शैल जहे यह मोहि मांगे दे। मैं मांग रहा हूं आप जाकर पार्वती जी से विवाह करिए। शंकर जी ने पहले कहा, प्रभु उचित तो नहीं है, लेकिन आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। अब यहां दर्शन करिए। शंकर जी ने सोचा कि पार्वती ने पिछले जन्म में मेरे भगवान की परीक्षा ली, अब इस जन्म में जब तक मैं उनकी परीक्षा नहीं लूंगा, मैं विवाह करने वाला नहीं, तो सप्तऋषियों को भेजा विवाह कर परीक्षण करने के लिए। सप्तऋषि आए, पार्वती जी से लगे कहने, कहां बैठी हैं आप, जिसके लिए तपस्या कर रही हैं, भीख मांगते खाते हैं, उनके पास कुछ है नहीं, आप उनके पास सुखी नहीं रहेंगी, बहुते दोष है, हम आपके लिए बहुत सुंदर दूल्हा लेकर आए हैं। कौन? विष्णु जी, उनमें कोई दोष नहीं है, कहिए चर्चा चलावें। पार्वती जी ने कहा, आपने आने में देरी कर दी है, क्यों? हमने लगन इनसे हम लगा बैठे, जो होगा देखा जाए।
जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। माँ भवानी की निष्ठा का दर्शन करके सप्तऋषि माँ की जय जयकार करके जाकर बाबा को सुनाए, भगवान शंकर इतने आनंद में आए कि फिर समाधि में चले गए। पहली बार समाधि में गए तो कितने दिन बाद लौटे? फिर गए, अब 87,000 वर्ष बाद लौटेंगे कि 1,00,000 वर्ष बाद लौटेंगे किसी को पता नहीं है। इसी बीच एक दैत्य ने जन्म लिया जिसका नाम था ताड़कासुर। तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मैं मरूं नहीं। ब्रह्मा जी बोले असंभव, इम्पॉसिबल, मरना तो पड़ेगा बेटा, कुछ और मांगो। तो लगा दिमाग लगाने, क्या मांगू कि मरना ना पड़े। सोचा बाबा समाधि में है, कब आएंगे पता नहीं, आ भी गए तो उनकी पत्नी है नहीं, पत्नी नहीं है तो बेटा नहीं होगा। बस वरदान मांगा कि भगवान शंकर के तेज से जो संतान जन्म ले वही मुझे मारे। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। वरदान प्राप्त करके लगा देवताओं को त्रास देने। अच्छा ये देखिए, जितने राक्षस हैं ये सब देवताओं से ही वरदान पाकर उन्हीं पर अप्लाई भी कर देते हैं। क्या नाम था उसका? भस्मासुर। भगवान शंकर से वरदान मांगा, जकड़ी खोपड़ी पर हाथ रखे भस्म। बाबा कहे तथास्तु। बोला कैसे भरोसा हो कि आप दे दिए हैं, आइए पहले आपके ऊपर रख कर देखें। बाबा भगे त्रिशूल डमरू लेके, अरे भागा, हमारे पर अप्लाई करी। फिर भगवान श्री हरि को आना पड़ा, रूप धारण करके उस मोहनी रूप का दर्शन किया। वो भगवान बोले कि नाच के दिखाओ, लगा नाचने। भगवान बोले ऐसे नहीं, ऐसे नाचना पड़ेगा। तो नाचते नाचते जैसे अपन हाथ अपने ऊपर रखा, भस्म हो गया। शंकर जी बोले प्रभु अब जान में जान आई, तो हमारे ऊपर अप्लाई करने वाला। ब्रह्मा जी से वरदान लिया, देवताओं को त्रास देने लगा। देवता भागे ब्रह्मा जी के पास, कौन सा वरदान दे दिया, मरी नहीं रहा है। ब्रह्मा जी बोले ऐसे नहीं मरेगा, ऐसा ऐसा वरदान लिया है। इंद्र बोले फिर तो मर भया। ब्रह्मा जी बोले पक्का मरेगा, कन्या विवाह के लिए तैयार है, आप लोग केवल दूल्हे को तैयार कर दीजिए। इंद्र बोले दूसरा कोई उपाय नहीं है, जो उनको समाधि से बाहर जगाने जाएगा, ताड़कासुर तो बाद में मारेगा, वो जगेंगे तो पहले मार डालेंगे उसको। ब्रह्मा जी बोले आप लोग ना जाइए, कामदेव को भेजिए। कामदेव का आवाहन हुआ, कामदेव चले। 48 मिनट लगा है ब्रह्मलोक से कैलाश जाने में कामदेव को। कितना देर? 48। दो दंड, एक दंड 24 मिनट का होता है, 48 मिनट लगा। और इस 48 मिनट में पूरी सृष्टि काम के वशीभूत हो गई। लेकिन कामदेव जाकर कैलाश में देखे कि भगवान शंकर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कैसे पड़ेगा वो? जहां राम जी प्रवेश कर जाते हैं वहां काम प्रवेश करने वाला नहीं है। क्रोध आया, मृत्यु को निश्चित जानकर एक आम के वृक्ष पर पत्तों के पीछे छिप गया, धनुष पर 5 बाण रखकर खींचा कान तक और छोड़ा। जैसे बाण बाबा के हृदय में लगा, बाबा का नेत्र खुल गया। किसने मारा? दाईं ने देखे, बाएं देखे, नीचे देखे, तब तक अम्र पल्लवों के पीछे छिपे काम पर दृष्टि गई और बाबा का तीसरा नेत्र खुला। बाबा शिवती तबत का भयो जरिछारा, चितवत का भयो जरिछारा, चितवत का भयो जरिछारा। ऐ बाबा का तीसरा नेत्र खुला, कामदेव तत्क्षण जल कर भस्म हो गए। हाहाकार मच गए। कामदेव की पत्नी रति रोते रोते बाबा के पास आई, बाबा को दया आ गई। बोले रति जाओ,
अब तेरति तव नाथ कर, होइहि नाम अनंत बिनु बपु व्यापी सब पुनि। सुनु निज बाबा ने कहा, रति आज के बाद तुम्हारे पति का नाम अनंग होगा, अर्थात बिना अंग के। अर्थ है रति, तुम्हारे पति बिना शरीर आज के बाद सब में व्याप्त होंगे। उसी दिन से कामदेव का वास हमारे शरीर के रक्त की धमनियों में हो गया, सर्वत्र विराजमान। रति ने पूछा, प्रभु मुझे कब मिलेंगे? बाबा ने कहा, द्वापर में जब पृथ्वी के भार का हरण करने के लिए परमात्मा श्री कृष्ण अवतार लेंगे, तो भगवान श्री कृष्ण जी के पुत्र प्रद्युम्न आपको पुनः पति के रूप में प्राप्त हो जाएंगे, ये मेरा आपको आशीर्वाद है। रति प्रणाम करके गई, देवता सुने कि काम भस्म हो गए, रति को वरदान मिला। देवता पहुंचे ब्रह्मलोक, ब्रह्मादि सबको लेकर पहुंचे बैकुंठ श्रीहरि के पास। भगवान श्रीहरि सबको लेकर पहुंचे कैलाश, सारा देव समाज एक साथ आया। लेकिन यहां एक आपसे निवेदन करूं, आदमी जब डरा होता है ना, तो जितने आदमी उतने भगवान। पांच आदमी एक साथ जा रहे हो और पता चल जाए कि वहां भूत बैठा है, कोई कहेगा हे शंकर जी, कोई कहता हे बजरंग बली, हे राम जी, हे कन्हैया जी, हे दुर्गा मैया बचाई हो। देवता आए हैं एक साथ, लेकिन इनकी भाषा बदली बदली है। एक देवता ने कहा, बोलिए विश्वनाथ भगवान की जय। एक ने कहा, बोलिए भूतनाथ भगवान की जय। एक ने कहा, बोलिए गंगाधर भगवान की जय। बाबा कहते, पृथक पृथक तीन की न प्रशंसा, अलग अलग काम नहीं बना। देवताओं ने कहा मिल करके कहा जाए, सारे देवता मिलकर कहने लगे, अरे शंकर तेरी जटा में, बाबा तेरी जटा में बहती है गंगधारा, बाबा तेरी जटा में बहती है गंगधारा, शंकर तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा। काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर जिमदामिनी पुजारा, काली घटा के अंदर जिमदामिनी शंकर तेरी जटा। कल मुंड माल राजे शशि भाल पर विराजे, कल मुंड माल राजे शशि भाल पर विराजे, कल मुंड माल राजे शशि भाल पर विराजे, कल मुंड माल राजे शशि भाल पर विराजे। अरे डमरू निनाद बाजे, डमरू निनाद बाजे कर में त्रिशूल धारा, डमरू निनाद बाजे शंकर तेरी जटा।
बसन धारी विसराज पर सवारी मृग चर्म बसन धारी विसराज पर सवारी मृग चर्म बसन धारी विसराज पर सवारी मृग चर्म बसन धारी राज पर सवारी निज भक्त दुख हारी निज भक्त दुख हारी कैलाश में बिहारा निज भक्त दुख हारी कैलाश में बिहारा शंकर तेरी नाम जो उचारे सब पाप दोष तारे शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष तारे हरा हरा महादेव समाज मिलकर भगवान की स्तुति किए। बाबा प्रसन्न भए, देवताओं से पूछे कहिए क्यों आए हैं। ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा पूछ रहे हैं बताइए क्यों आए हैं। इंद्र बोले हम नहीं बोलेंगे आप बोलिए। क्यों मार दिए तो? ब्रह्मा जी बोले अमर बोले हैं ना आप लोगों को, कहु अमर आ एक ही हेतु। यदि अपने मुख से अमर बोल रहे हैं तो कैसे मार देंगे। इंद्र बोले अभी थोड़ी देर पहले जिसको जराकर भस्म किए वो भी अमर थे, चले गए, हम ना कहेंगे आप ही कहिए। यहां देखिए डर कितना है। ब्रह्मा जी की बारी आई तो ब्रह्मा जी बोले प्रभु आप तो अंतर्यामी है, सब जानते हैं आप, कह विधि तुम प्रभु अंतर्यामी। बाबा बोले हम कौनो जामी नहीं है, सीधा सीधा बोलिए क्यों आए हैं आप लोग। ब्रह्मा जी बोले प्रभु सकल सुरन के हृदय शंकर परम उछा। ये सारे देवता
निज नयन ने देखा चाहे नाथ तुम्हार विवाह। ये सारा देव समाज आपका विवाह अपनी आंखों से देखना चाहता है। शंकर जी इस बात को भली भांति जानते हैं कि किसी भी देवता को मेरे विवाह से कोई लेना देना नहीं है। ये तो इसलिए विवाह कराने आए कि जो लड़का होगा वो मारेगा ताड़कासुर को। लेकिन आदर्शन करिए, सब जान कर भी बाबा मौन होके मुस्कुरा रहे हैं। है यही घर के मुखिया का स्वभाव होता है। घर के मालिक को पूरा घर पढ़ाता है। ऐसे नहीं, ऐसे हो गया था। हाँ ठीक बोले, ठीक बोले। मुखिया कौन? जो सब जान के भी मुस्कुराता रहे और रोज न टोके, कभी कभी टोके, वो घर का मुखिया कहलाता है। इसलिए सारे लोग देव रह गए और हमारे बाबा महादेव बन गए। बाबा ने कहा चलिए मैं तैयार हूं, विवाह के लिए तैयार हूं। देवता दुंदुभि बजाकर पुष्प की वर्षा किए। ब्रह्मा जी ने सप्तऋषियों को पुनः भेजा, हिमांचल जी के नगर गए, वहां से मुहूर्त लेकर आए। सामान्य व्यवहार में हम और आप महाशिवरात्रि को बाबा का विवाह मनाते हैं, परंतु पुराण भगवान कहते हैं भगवान शंकर के विवाह की तिथि है बैसाख महीना शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि, दिन था गुरुवार का। लोकाचार में हम और आप महाशिवरात्रि को मनाते हैं। ब्रह्मा जी सभी देवताओं को मुहूर्त बताएं और कहें कि ठीक शाम को 5 बजे सारे देवता बराती बन बन के निजी वाहनों द्वारा, दूल्हे की ओर से कोई भी वाहन की व्यवस्था नहीं की गई है, अस्तु सारे देवता बराती बन के निजी वाहनों द्वारा 5 बजे शाम को कैलाश पहुंचने की कृपा करेंगे। 5 बजे बारात कैलाश से हिमांचल जी के नगर की ओर प्रस्थान करेगी। सारे देवता जय जयकार करके गए। विवाह का दिन आया, जिस दिन विवाह होना है बाबा का, 5 से 2 घंटा पहले 3 बजा। कितना बजा? 3। बाबा एकदम आनंद में बैठे हैं कि बराती लोग आएंगे तो बस चलना ही तो है, हमको क्या करना है। लेकिन बाबा के गण परेशान है, भृंगी श्रृंगी दोनों परेशान। बाबा बोले इतने परेशान क्यों हो आप लोग? गण बोले बाबा बताइए, एक भी देवता आपको सजाने आज नहीं आया, एक भी देवता। शंकर जी बोले अपने से टाइम मिलेगी तब ना हमारी याद आएगी। देखिए वर्तमान समय में विवाह में कन्या के घर में संगीत का कार्यक्रम होता है, नहीं तो दूल्हे के घर में संगीत का कार्यक्रम होता है। मेरे बाबा का विवाह पूरे ब्रह्मांड का एकलौता विवाह है जहां दूल्हे के घर में कोई संगीत का कार्यक्रम नहीं, सारा संगीत का कार्यक्रम बरातियों के घर में हो रहा है। यहां लिखा है लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान, हो ही सगुन मंगल शुभद करही अपसरा गाम। देवलोक में देवताओं के घर में अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, वाद्य बज रहा है, सभी लोग अपनी अपनी गाड़ी सजाने में बिजी हैं। गरुण जी के ऊपर चलते हैं भगवान श्री हरि विष्णु जी। विष्णु भगवान गरुण जी को नहलाकर खूब सुंदर साफ सुथरा करके उनके ऊपर लाल रंग की चांदनी ओढ़ा रहे हैं, गले में फूलों की माला पहना रहे हैं। इंद्र अपने ऐरावत को रगड़ रगड़ के धो रहे हैं, गले में माला झालर पहना रहे हैं। यमराज के पास करिया रंग का भैंसा है, वो एक बार इंद्र का हाथी देखे, एक बार अपन भैंसा देखे, बोले बताओ वो कितना गोर है, करिया है। रगड़ रगड़ के धोने लगे, थोड़ा भी चमक जाए आज। कुबेर जी के पास पुष्पक विमान है, एरोप्लेन, दुनिया का पहला हवाई जहाज किसके पास? कुबेर के पास। वो उसको खूब सुंदर साफ सुथरा करके आज की भाषा में कहें तो चाइना वाला भुकभुकिया लाइट लगा रहे, ऐसे ऐसे करता है ना, उसको सजा रहे, झालर लगा रहे, फूल सजा रहे।
सब अपने अपने वाहन को तो सजाने में बिजी हैं, कोई भी ये नहीं सोच रहा है कि दूल्हे को कौन सजाएगा और दूल्हे की गाड़ी कौन सजाएगा, कोई नहीं आया। बाबूजी कहाँ है? बाबूजी, बाबूजी ये पट उठा दीजिए बाबूजी। अरे ये उठाना है, बाबा के गण परेशान, बाबा तैयार नहीं है। बाबा ने अंत में कहा चलो आप ही हमको सजा दो, क्यों? हमको वही सजा सकता है जो हमारे मन को समझता है। और बाबा बोले शंकर के मन को उनके गणों को छोड़कर दूसरा कौन समझता है, इसलिए जितना सुंदर आप सजाओगे देवता नहीं सजा पाएंगे। अब यहाँ टेंशन देखिए, सजाने का टेंडर उसको मिला जो आज तक कभी खुदे नहीं सजा हो, जैसे बाबा वैसे बाबा के गण। अब पहले टेंडर में दूल्हे का टेंडर मिल गया, बाबा बैठ गए, बाबा के गण बाबा का श्रृंगार कर रहे हैं। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी की इन चौपाइयों के साथ हम और आप मिलकर, आगे हम गाएंगे पीछे से सुन के आप गाइएगा, यहां बैठे बैठे मानसिक रूप से हम और आप बाबा का श्रृंगार करें। शिव ही शंभो गण करहि श्रृंगार, पर बैठ गए
अब बाबा के गण बाबा का श्रृंगार करने लगे। भगत समझ नहीं पा रहे हैं गण की कहां से प्रारंभ किया जाए। और इस पूरे श्रृंगार को आप लोगों को भोजपुरी समझ में आती है? हाँ, थोड़ी थोड़ी पूरी होती है। एक भजन सुनाता हूं, आज पहली बार यहां गा रहा हूं, आज तक कभी गाया नहीं। बाबा के गण बाबा का श्रृंगार कर रहे हैं, दर्शन करिए। अरे श्रृंगार हो खता हो, श्रृंगार हो खता, श्रृंगार हो खता हो, श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, श्रृंगार हो खता हो, श्रृंगार हो खता, श्रृंगार हो खता हो, श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सर जी के गण मिली करे तैयार हो, भोला जी के गण मिली करे तैयार हो, जटा मुकुट सर्प मौरी सवार हो, जटा मुकुट सर्प मौरी सवार, गोरा देह परल पाना भभूति छार हो खता, गोरा देह परल भभूति छार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, गोरा देह परल पाना भभूति छार हो खता, गोरा देह परल पाना भभूति छार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। सर्प के कंगन कुंडल मुंड मालहार हो, सर्प के कंगन कुंडल मुंड मालहार हो, गंगा जी के धार माथे चंद्रमा लीलार हो, गंगा जी के धार माथे चंद्रमा लीलार हो, इंतजार वर के हिमाचल द्वार हो खता, इंतजार वर के हिमाचल द्वार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, इंतजार वर के हिमाचल द्वार हो खता, इंतजार वर के हिमाचल द्वार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार।
साप के जाने वो हो कंठ में जहर कान्हे साप के जाने वो हो पहिरी बाघंबर दुल्हा बनले महादेव हो पहिरी बाघंबर दुल्हा बनले महादेव हो बर बसहा पयाला पर सवार हो खता बर बसहा पयाला पर सवार हो खता दुल्हा सरकार के सिंगार हो खता दुल्हा सरकार के सिंगार हो खता बर बसहा बयाल पर सवार हो खता बर बसहा बयाल पर सवार हो खता शिव दुल्हा सरकार के सिंगार हो खता शिव दुल्हा सरकार के सिंगार हो खता बाबा कर में त्रिशूल डमरू बाजे लागल बाजा गौरी बियाहन चलले भूतावन के राजा गौरी बियाहन चलले भूतावन के राजा शिकारी पीछे से खूब जय जयकार हो खता शिकारी पीछे से खूब जय दुल्हा सरकार के सिंगार हो खता शिव दुल्हा सरकार के सिंगार हो खता राजन पीछे से खूब जय जयकार हो खता राजन पीछे से खूब जय जयकार हो खता शिव दुल्हा सरकार नमः पार्वती पताये हर हर महादेव अभी बारात चली नहीं है सब लोग बैठ जाइए पांच मिनट में चलने वाली है बैठ जाइए बाबा बैठ गए बाबा के गण श्रृंगार प्रारंभ किए समझ में न आवे गणों को कि कहां से प्रारंभ किया जाए गणों की सबसे पहली दृष्टि गई बाबा की जटाओं पर काम दहन के समय क्रोध के कारण बाबा की जटाएं बिखर गई थी गणों ने कहा पहले जटाओं को ठीक किया जाए जटाओं को समेटना प्रारंभ किया और ऐसा समेटा सिर पे गणों ने कि जटाओं ने मुकुट का आकार ले लिया एक गण ने कहा टोपी का काम खत्म टोपी हो गया दूल्हे का एक गण ने कहा देखो कितनों भी टोपी पहना दो जब तक दूल्हा मौर न लगावे तब तक दूल्हा कहाँ कहलाता है शंकर जी पूछे मौर कहाँ है वो बोले बाबा कुछ नहीं बस एक रात की बात है यहाँ केवल ऐसे ऐसे झूलता रहता है यहाँ उठा रहता है बाबा बोले एक रात के बाद बोले गंगा जी में स्वाहा एक बार पहनना है फिर दोबारा नहीं पहनना स्वाहा गंगा जी में शंकर जी बोले प्यारे जिसको मैं एक बार अपने सिर पे धारण कर लूंगा उसको गंगा जी में बहने नहीं दूंगा तो ऐसा मौर कदापि मत पहनाना जिसको गंगा जी में छोड़ना पड़े
अब गण पड़े टेंशन में, ऐसा मौर कहाँ से लाया जाए जो बाद में बना रहे। एक गण बोला रुको मैं कुछ उपाय करता हूँ। एक जगह कोने में 150-200 सांप नाच रहे थे। कितने? 150-200 सांप, बारात में चलना है ना। एक गण जाके बोला कि तुम में से 10 mm से जितने पतले हो सब बाहर निकलो, पतले पतले वाले सब बाहर निकलो। एक साथ झुंड बना के निकले, उसमें से 25-30 सांपों को पकड़ के सबका सिर ऊपर करके अब बांध के सिर के पास गणों ने लाकर बाबा के जटाओं में ऊपर से पहना दिया। सर्पों के सिर ऊपर और सबके पूंछ बाबा के चेहरे के आगे झूलने लगे। एक गण ने कहा कोई दुनिया का दूल्हा ऐसा मौर पहना होगा जो बाबा पहने हैं। शंकर जी बोले सबसे बढ़िया चीज लगाए हो तुम लोग, सांप मने काल। आज पूरे ब्रह्मांड को पता चलेगा जो काल को भी आभूषण बनाने की शक्ति रखता है वो कालों का काल महाकाल है। ये परिचय है मेरा। सांप का मौर बना। अब आभूषण दर्शन करिए, कान में कुंडल सांप का, हाथ में कंगन सांप का, बाजूबंद सांप का। लेकिन ये बिल्कुल मत समझिएगा कि जो मिला वही लगा दिए ना। करकोटक और कुलकी नाम के सर्प से कुंडल बनाया गया। ये दोनों देखने में बिल्कुल एक जैसे छोटे छोटे। गण सोचे यहां हरा यहां पीला लगाएंगे तो मैचिंग बिगड़ जाएगी। करकोटक और कुलकी दोनों सांप एक जैसे थे, कान में कुंडल बनाया। कंबल और अश्वतर नाम के सर्प से हाथ में कंगन बनाया, दोनों एक जैसे थे। शंख और पद्म नाम के सर्प से बाजूबंद बनाया। सभी सर्पों के नाम लिखे गए हैं कौन सर्प कहां विराजित हुआ। वासुकी सर्प को यज्ञोपवीत बनाकर शरीर पर सीने पर लपेटा गया। ये दूल्हे सरकार का जनेऊ है। कौन? वासुकी सर्प। गले में सर्प, सिर पे सर्प, कान में सर्प, हाथ में सर्प, सीने पे सर्प, चारों तरफ सर्पे सर्प। आभूषण तो पहन लिया। अभी एक गण कहा कि देखो फेसियल नहीं हो पा रहा है, कम से कम पाउडरे लग जाए। अब पाउडर कहाँ से आएगा कैलाश में। एक गण गया श्मशान में, चिता की भस्म शांत भई थी, पूरा का भस्म, पूरा भस्म उठा के लाए। अब बाबा के सिर पर सिर से लेके पांव तक पूरे भस्म का लेपन कर दिए। एक तो बाबा पहले से गोरे, कपूर जितना गोरा है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजेन्द्र हारं। जो वर्ण कपूर का है उतना ही गोरा रंग मेरे बाबा का है। ऊपर से गण भभूत और लगा दी। अच्छा देखिए, लगाना, लगाने का मतलब लगा के मिला देना। पाउडर माताएं लगाती हैं तो लगा कर मिला देती हैं। गण मिलाए नहीं, देख छाप दिए। सिर से पांव तक भभूते भभूत हो गया, तीन नेत्र। अब सोचिए भस्म लगे चेहरे में, बाबा तीन आंख खोले होंगे, कितना सुंदर लगा होगा ना। हो ए? पूरा शरीर वाइट, गला पूरा ब्लू। आप कंट्रास्ट देखिए, कितना अद्भुत कंट्रास्ट बना होगा। पूरा शरीर सफेद और नील कंठ, हलाहल विष के कारण गला नीला है। पूरे श्रृंगार में केवल दो ही सुंदर चीज लगा है, शशि ललाट सुंदर सिरगंग। गंगा जी और चंद्रमा जी को छोड़ने के बाद जो बाबा स्वरूप धारण किए हैं ना, भगवान ने मालिक है हो ए? एक ने कहा कि दूल्हे का गला सुना लग रहा है, माला यदि बढ़िया बढ़िया माला पहन ले। अब बर्फ में कहां माला आवे। एक गण दौड़ा श्मशान, अब की बार 35-40 नरमुंड लेके आया खोपड़ी, और एक पतले सांप में सभी खोपड़ियों को डालकर बांध कर बाबा के गले में खोपड़ी की माला पहना दिए सब। बोले बहुत सुंदर, क्या बात है। आए बाबा जब खड़े भए तो गणों की दृष्टि गई कि बाबा तो कुछ पहने ही नहीं है। एक गण ने कहा प्रभु कुछ पहन लेते। बोले बाबा आदत नहीं है मेरी,
गणों ने कहा प्रभु दूसरे के नगर में जाना है, ऐसे जाएंगे तो अच्छा नहीं रहेगा, एक रात बस आज पहन लीजिए। बाबा बोले क्या पहनाओगे? गणों ने कहा जिस पर बैठते हैं आप कहिए तो उसी को लपेट दें। बाघंबर लेकर गणों ने कमर में लपेटा, लेकिन बाघंबर कड़ा, जैसे लपेटे तैसे गिर जाए। तीन चार बार ट्राई मारे, हुआ नहीं। एक गण ने कहा रुको मैं दिमाग लगाता हूं। एक पतला सांप उधर नाच रहा था बहुत जोर जोर से, बाबा के विवाह में चलना है, क्या बात है, आनंद होगा आज। गण ने कहा देखो तुम इधर आगे आओ, बहुत महत्वपूर्ण कार्य तुमको सौंपा जा रहा है। कितना महत्वपूर्ण कार्य है इसका भान तुमको भी नहीं होगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट काम में तुम लगाए जाने वाले हो। लेकिन वहां एक कंडीशन है, जहां तुमको ड्यूटी लगाया जाएगा ना वहां हिलना मना है। सांप पूछा कहां लगाओगे? बोले बाबा के कमर में बाघंबर लपेट के तुमसे ही बांधा जाएगा, तो तुम वचन दो कि हिलोगे नहीं जब तक बाबा विवाह करके नहीं आ जाते हैं। बोला एकदम बिल्कुल नहीं हिलूंगा। उसी सांप से गणों ने कमर में बाघंबर बांध दिया, एक हाथ में त्रिशूल एक हाथ में डमरू लेकर जब बाबा खड़े भय, सिर से पांव तक अपना श्रृंगार देखा, बाबा गदगद हो गए। अरे कर त्रिशूला आरु डामारु बिराजा, कर त्रिशूला आरु डामारु बिराजा, चले बसर बाजही बाजा, चले बसर बाजही बाजा। बोलो बम बम बम, बोलो बम बम बम, बोलो बम बम बम, बोलो बम बम, बोलो बम बम बम, बोलो बम बम बम, बोलो बम बम बम, बोलो बम बम बम, हर 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 बम बम बम। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। नंदी महाराज तैयार होकर आ गए। नंदी समझते हैं ना, नंदी, हाँ नंदी मने, गलत जगह पूछ रहा हूं, काशी में जो रहता हूं नंदी के ना जानो असंभव। नंदी भगवान, देखिए आजकल का दूल्हा चार चक्के में जाता है, नहीं तो पालकी में, नहीं तो घोड़ी पर। अब वो घोड़ी है कि खच्चर है भगवान जाने, लेकिन बाबा न चार चक्के पे बैठे, न घोड़ी पर, न पालकी पर, किस पर बैठे? नंदी पर बैठे। जानते हैं क्यों? सनातन धर्म में नंदी महाराज को धर्म का प्रतीक माना गया है। नंदी धर्म के चिन्ह है। भगवान शंकर धर्म पत्नी को लाने जा रहे हैं, इसलिए धर्म रूपी नंदी पर आरूढ़ कर बाबा जा रहे हैं यात्रा करने। नंदी पर बैठकर बाबा गणों के साथ आनंद में है। बाबा दोनों गण भृंगी श्रृंगी नंदी सब नाच रहे हैं। प्रतीक्षा हो रही कि बराती अब आवे तो चला जाए। ठीक 5 बजे बराती सब अपनी अपनी देवियों के साथ कैलाश पहुंचे अपने वाहन पर बैठकर। माता जी लोगों का एक बड़ा अद्भुत स्वभाव, किसी का भी दूल्हा जाए, दूल्हा देखने में जितना आनंद आता है ना माता जी लोगों को, किसी को नहीं आता। देवियां देवताओं के साथ आई, देवियां परेशान कि दूल्हा सरकार कहां है। बाबा कहे गण मिला, कहां बाबा कहां? गण बोला देखे के ढेर मन करता ना। गण बोला आइए ले चलता हूं, लेकर गया। और जैसे दे Thank you.
बगल वाली ने ठोका, बाप रे बाप। यहां गोस्वामी जी कहते हैं, देखी शिव ही सूरतिया मुस्काही। देवियां आपस में अरे बाप रे बाप, इतना खतरनाक दूल्हा। ऐसे दूल्हे के लिए भी दुल्हन बनाई गई है, कौन बाप अपनी बेटी का विवाह करेगा इसके साथ। जैसे शंकर भगवान देखे, देवियां देख रही हैं, बाबा अपन तीनों आंख खोल के मुस्कुरा दिए, भागी देवियां वहां से, वो विकराल चेहरा हो बबूत में। इधर देवताओं ने भगवान शंकर का रूप देखा तो देवताओं का चेहरा उतर गया, आपस में बात करने लगे, बताओ ऐसा दूल्हा जाएगा तो हमारा मेकअप कौन देखेगा, सारा मेहनत बेकार। विष्णु भगवान सभी देवताओं को बुलाकर कहे, देखिए बर अनुरूप बरात न भाई। ये नहीं कहें कि बरात के अनुसार दूल्हा नहीं सजा है ना, दूल्हे के अनुसार बरात नहीं सजी है। दूसरे नगर में जाएंगे, हंसी करे हो परपुर जाई। ब्रह्मा जी बोले तब, विष्णु भगवान बोले तब नहीं, आगे बढ़िए, कहां अपना अपना जमात लीजिए, दूल्हे को कैलाश छोड़िए, बाद में आते रहेंगे, आगे बढ़ो। यदि केउ डाक सुने तोरना आसे तब एकला चलो, आगे बढ़ो। ये बंगाली में था, हम कलकत्ता से है ना, थोड़ा थोड़ा बांग्ला भी आता है। सारे देवता दिग्पाल अपने जमात के साथ बाबा को छोड़ के आगे चले गए। शंकर भगवान जिस नंदी पर बैठे, नंदी ने देखा बराती भाग गए, नंदी ने कहा बाबा बराती छोड़ के भाग गए, आज्ञा दीजिए सबसे आगे निकल जाऊंगा दौड़ के। बाबा बोले रुको रुको, कहीं नहीं जाना, यहीं खड़े रहो। भृंगी ने कहा प्रभु बिना बराती के दूल्हे का क्या अर्थ है, कोई देवता आपके बारे में नहीं सोचे, सब चले गए। शंकर जी मन में सोचे अच्छा हुआ चले गए, हम भी साथ जाते तो जलपानों मिलता कि नहीं मिलता, भगवान है मालिक। शंकर जी बोले देखो, जो आनंद अपने ग्रुप के साथ आता है ना, वो दूसरे के ग्रुप में आने वाला नहीं है। लगता है यहां भी पहुंचे हुए हैं साहब। भृंगी ने कहा था, बाबा ने कहा हमारे ग्रुप को बुलाओ। भृंगी ने कहा प्रभु अपने वालों को कार्ड नहीं भेजा गया था। शंकर जी बोले हमारे वाले को कोई कार्ड नहीं देता है, आप अपने घर में विवाह करते हैं तो विश्वनाथ जी के लिए कार्ड लिखते होंगे, संकट मोचन जी के लिए लिखते होंगे, कोई लिखता है हे श्रीमान श्रीमती भूत और भूतनी जी, मेरी बिटिया की शादी में सपरिवार कृपा करने आइएगा, कोई लिखता है। बाबा बोले मेरे वाले को कोई कार्ड नहीं देता, बिना इनविटेशन के सब जगह घूमते हैं सब, वो बजाओ तुतुहिया। भृंगी ने निकाला झोली से तुतुहिया, फूका बोला, भूत भूतिनी प्रेत, हाँ ये भी सब परिवार आए हैं, प्रेतिनी हाकिनी हाकना डाकिनी डाकना पिशाचिन राक्षस दैत्य चुड़ैल, चुड़ैल भी आए थे, हमारी गांव के साइफन पर के बुड़ुआ। और आपसे कहें केवल इंडिया वाले नहीं आए थे, बाबा पूरे विश्व के भूतों के स्वामी हैं, पूरे विश्व के भूत प्रेत आए, अमेरिका से एक जंबो जेट करके आए 800 भूत, 8-8 फुट के लंबे लंबे गोरे गोरे जहाज भूत उतरे एक साथ आपस में, हाउ आर यू माय डियर,
from where you are? Oh, well, I am from California, and you? I am from New York. Nice to meet you, dear. गोरे गोरे अंग्रेज भूत, वहीं बगल में वेस्ट इंडीज वाले इतना करिया करिया आए थे, बारबाडोस से, ट्रिनिडाड टोबैगो से, सुरिनाम से, गयाना से, सेंट लुइस से, ये सारे इतने करिया थे, सब करिया करिया भूत, जब तक हंसे ना तब तक दिखाई ना पड़े। इंग्लैंड के भूत, जापानी भूत, कोरियन भूत, चाइना वालों पर रोक लगाया गया था। चाइना का नाम सुन के डर लगता है भैया आपको, तुम दिखाई मत पड़ जाना। अपन बिहार के भूत, का हो जिला, कौन जिला घर हो? बंगाली भूत, काऊ के छाड़बो ना हम आज के। आकाशी के भूत तो भगवाने मालिक बड़ा। साउथ इंडियन उंद्रु पुंद्रु भूत, देखे अपन नाम आते जय जयकार शुरू हो गए। पूरे विश्व के भूत प्रेत आए हैं, भूत प्रेत, लेकिन संस्कार का दर्शन करिए। शिव अनुशासन सुन सब आए, जय शिव शंकर जय भोला, प्रभु पद जलज शीश तिन्ह नाए, जय शिव शंकर जय भोला, हरे नाना वाहन नाना वेशा, हसे शिव समाज निज देखा, जय शिव शंकर जय समाज कैसा, को मुख ही न विपुल मुख का हो, जय शिव शंकर जय भोला, अब बिनु पद कर को बहु पद बाहो, जय शिव शंकर जय भोला, विपुल नयन को नयन विहीना, जय शिव शंकर जय भोला, विपुल नयन को नयन विहीना, जय शिव शंकर जय भोला, अब रिष्ट पुष्ट को अति तन खीना, जय शिव शंकर जय भोला, रिष्ट पुष्ट को अति तन खीना, जय शिव शंकर जय भोला, अनचार बार कपाल भूषण गगन जटिल भयं करा, भूषण कराल कपाल कर सब सज्ज सोनित तन भर, मर्दान सुवर श्रीकाल मुख गन वेश अगणित कोटि, बहु दिना सफेद पिशाच जोगी जमात, वरणत नहीं बने हजमात, वरणत नहीं बने हजमात, वरणत नहीं बने, तनखीन कौवत पीन पावक कौवा पावन गति धरे। बाबा के गण आए, नाना प्रकार के भूत प्रेत पहला काम किए, कतार बद्ध होकर सभी भूतों ने पहले बाबा को प्रणाम किया, दंडवत किया, ये संस्कार है। हमारे महाराज जी कहते हैं, बेटा किसी के घर के सेवक से यदि बात कर लो तो उस घर के स्वामी के जीवन का पता चल जाता है, ये परिचय है। बाबा के गण है इसलिए संस्कार से पुष्ट हैं, आए गणों ने भूतों ने आकर पहले बाबा को दंडवत किया। बाबा जब जमात देखे तो गदगद हो गए, क्यों? जितना भूत उतना रूप। पहले नंबर पर जो भूत प्रणाम करने आया बाबा को, आपन खोपड़ी हाथ में लेके घूम रहा था, वो यहां का ऊपर वाला हाथ में था। दूसरे नंबर में जो भूत आया उसका मुंह गायब, तीसरे का पूरे शरीर में मुखे मुख, किसी का हाथ नहीं किसी का हाथे हाथ, किसी का पांव नहीं किसी के पेट में पांव निकला है, किसी का आंख नहीं किसी का आंखें आंख, कोई लंबा है कोई बौना है, कोई मोटा है कोई पतला है, कोई छोटा है कोई चपटा है, कोई गोल है कोई त्रिपुंड लगाया है, कोई रक्त से नहाया है, लेकिन मुख दर्शन करिए, किसी का मुंह सुअर जैसा, किसी का कुत्ते जैसा, किसी का गधे जैसा और किसी का सियार जैसा। अब मजे की बात बताऊं, कौनों चुप नहीं है। अब आप कल्पना करिए, गधा सुवर सियार कुत्ता एक साथ जब गाएंगे कितना सुंदर होगा ना हो। बाबा का जमात आया और सारे भूत बाबा के नाम का जय जयकार करके ओम नमः पार्वती पतये हर हर महा
जय जयकार करके चले। अरे भूतवा नाचे देने सगरो बोलते गए हर हर महादेव आगे आगे देवता गए हैं। एक देवता के कान में हर हर महादेव की आवाज आई। सोचे बराती हम हैं और हम आगे चले आए हैं तो ये पीछे से हर हर महादेव कौन गाने लगा। पीछे देखे दूसरे देवता ने कहा पीछे क्या देख रहे हो। बोले आप हूं देखो जस दूलहु तसी बनी बराता जस दूलहु तसी बनी बराता कौतुक विविध हो ही मग जाता कौतुक विविध हो ही मग पीछे जाता। अरे भूतावा नाचे दे दे नाचते नाचते पूरा बारात पहुंचा हिमांचल जी के द्वार पर। अगुवान जानते हैं ना, अगुवान जो जाकर बारातियों को स्वागत करते हैं, माला पहनाते हैं, जलपान कराते हैं। हिमांचल जी के नगर से अगुवान हाथी घोड़ों पर बैठकर स्वागतार्थ पहुंचे। सबसे आगे देवताओं का समाज दिखाई पड़ा। देवताओं का दिव्य अद्भुत अलौकिक सौंदर्य देखकर अगुवान नाचने लगे। बोले जीवन में ऐसा सुंदर बारात नहीं देखा। लेकिन एक समस्या ये है कि इनमें से दूल्हा कौन है, घोड़ी पर कोई बैठा ही नहीं है। तो सबसे सुंदर भगवान श्री हरि विष्णु जी दिखाई पड़े। एक बूढ़े बाबा अगुवानों में से जाकर विष्णु भगवान से प्रणाम करके बोले कि आप ही है ना, देखिए छिपाइएगा मत, हम सब जानते हैं आप ही है ना। विष्णु जी बोले कौन, आप ही दूल्हा है ना। भगवान श्री हरि बोले अरे बाबा हम बराती हैं, दूल्हा सरकार अभी पीछे से आ रहे हैं। अब वो अगुवान बुढ़ऊ बाबा इतना नाचने लगे ये सोचकर कि जिस बारात के बराती इतने सुंदर सुंदर हैं उस बारात का दूल्हा कितना सुंदर होगा। लगे नाचने। ब्रह्मा जी मने मन बोले नाच लो बाबा नाच लो नाच लो, दूल्हा देखला के बाद नचबो ना भगबो ऐजा से तू नाच लो। बरातियों का स्वागत शुरू हुआ। ब्रह्मा जी सभी देवताओं से बोले देखो ये जितना माला पहनाने वाले और जलपान कराने वाले अगवान आए हैं ये तभी तक हैं जब तक पीछे वाली पार्टी आ नहीं रही है। पीछे वाले पहुंचेंगे ये सब भाग लेंगे तो कोई नाटक नहीं करेगा, जो मिल रहा है उड़ाते जाइए। सभी देवताओं का स्वागत समारोह प्रारंभ हुआ। थोड़ी देर बाद पीछे वाली पार्टी की आवाज आई। बम 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 बोलो जय शिव जय शिव बम 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 बोलो जय शिव बम 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 बोलो जय शिव जय शिव बम 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 बोलो जय शिव हर हर बम बोलो जय शिव जय शिव हर हर बम बोलो जय शिव जय शिव बकरम बम बोलो जय शिव जय शिव बकरम बम बोलो जय शिव जय शिव बम 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 बोलो जय शिव जय शिव बम 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 बोलो जय शिव जय शिव बम 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 बोलो जय शिव जय शिव बम 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 बोलो जय शिव जय शिव अकड़म बम बकड़म बम ग्राम गुड़ुम 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 कुछ भी गा के बम लगा दो। भूतों का लैंग्वेज है जी, भूतों की आवाज सुनाई पड़ी। बम बम अगवान सुने तो एक देवता से पूछे कि और बराती छूट गए हैं का अभी पीछे ये आवाज आ रही है।
देवता तो समझ गए कि पीछे वाली पार्टी आ गई। एक देवता ने कहा, देखिए ये केवल आप लोगों को भटकाने का प्रयास किया जा रहा है, किसी भी प्रकार के ध्वनि पर ध्यान मत दीजिए, पूरा ध्यान हमारे पर लगा के रखिए। लाइए इस गिलास में आम का रस दीजिए। अब वो अगवान गिलास में आम का रस दे रहे थे, तब तक एक भूत आकाश में उड़ता हो अब ये रस लगा नीचे गिरने। देवता बोले, नीचे देखो गिर रहा है। वो बोले, नीचे छोड़ो ऊपर देखो आ रहा है। चारों तरफ से भूत प्रेत टूट पड़े। वो स्वामी जी कहते हैं, धरी धीरज तह रहे सयाने। जो बड़े लोग थे वो हिम्मत धारण करके चुपचाप खड़े थे। अब भगवान से मनी मन कहते थे, प्रभु आज बचा लो, कसम खाता हूं आज के बाद किसी को जूस पिलाने नहीं जाऊंगा, आज बचा लीजिए प्रभु। हिमांचल जी के नगर से माताएं छोटे छोटे घर के बच्चों को बारात देखने के लिए भेजी थी। बच्चों ने जब भूत प्रेत को देखा, बच्चे भागे घर की ओर, और गा जाकर बच्चों ने पहला काम किया, घर का दरवाजा बंद किया। माताएं बोली, आज के दिन तुम द्वार बंद करते हो, खोलो दरवाजा। लड़का बोले, बंद कर माई न ते कहू घुस गई ना घर में, एकहू घुस गई माई त ना ते बचबे ना हम बचेम ना बाबूजी बचिए सब मुई आज। माई बोली, क्यों तुम तो बारात देखने गए थे। बच्चे बोले, माई बारात नहीं आई है, यमराज की सेना आई है माई। दूल्हा कैसा है। बच्चे बोले, बरबौरा बाट बैला पे बैठल, बर बौरा बाट बैला पे बैठल, देखी के बरात सब लोग भागता, माई रे बताई का केवाड़ बंद कर डर लागता, माई रे बताई का केवाड़ बंद कर डर लागता, बर बौरा बाट बैला पे बैठल, बर बौरा बाट बैला पे बैठल, देखी के बारात सब लोग भाग, कम ढेर लागे जमदूत रे, दुल्हा कम ढेर लागे जमदूत रे, संघवा में बाड़े माई देश भर के भूत रे, संघवा में बाड़े माई देश भर के भूत रे, हाथ में त्रिशूल ऊपर डमरू बाधल, हाथ में त्रिशूल ऊपर डमरू बाधल, गरब में ओकरी अजगर नाचता, माई रे बताई का बच्चे बोले, माँ पूरे शरीर पर भभूत लपेटा है, जहां देखिए शरीर पर सांप नाच रहे हैं, माई रात में चलने वाले सब दिन में दिखाई दे रहे हैं, सारे रात वाले भूत प्रेत सब दिन में आ गए हैं, माई पूरी जटाएं बिखरी हैं, बच्चों को कमर के ऊपर का दिखाई पड़ा, कुछ नहीं पहने हैं, बच्चे अनुमान लगा लिए जैसे ऊपर नहीं होगा नीचे साफे होगा, बोले माई नंगा आ गया है, कुछ नहीं पहना है। अच्छा, बच्चे बोले, माई सही बतावें,
ऐसी बारात आई है जो बहुत पुण्यशाली होगा, वही देखकर जिंदा बचेगा माई। ऐसी बारात आई है ना, देखते अटैक आ जाएगा माई। हम तो देख लिए, दोबारा भेजना मत। बच्चे थर थर कांप रहे हैं। शंकर भगवान द्वार पूजन के लिए पहुंचे। मैना मैया सोने की थाल लेकर द्वार पूजन करने गई, अब बाबा का स्वरूप देखा ना, हाथ से थाली वहीं गिर गई। चिल्लाते बिलाप करते भीतर भागी, जब थाली गिर गई ना, शंकर जी बोले हो गया द्वार पूजन। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हो गया द्वार पूजन, चला जाए जनवासे में। देखिए, जहां संबंध निर्धारित हो जाए ना, जिस घर में, वहां कमी देखना बंद कर दीजिए। जिनके साथ संबंध बन जाए माई बाप, वहां कमी न देखिए, अच्छाई देखिए, और जीवन भर संबंध का निर्वाह करने का प्रयास करते रहिए। बाबा को ग्लानी ने भी थाली पटक दी गई, बाबा गदगद हो गया। मेरे ससुराल का यही नियम है, सास आती है द्वार पूजन करने, दूल्हे का चेहरा देखती है, थाली पटक के चली जाती है, यहाँ की परंपरा है। गणों को समझा रहे थे बाबा, सबको लेके जनवासे में पहुंचे। इधर मैना मैया आई, पार्वती जी को गोद में लेकर लगी रोने। पर्वत से छलांग लगा दूंगी, आग में जल जाऊंगी, जल में डूब जाऊंगी, लेकिन इस पागल के साथ विवाह नहीं होने दूंगी मैं। किसी ने पूछा, ये दूल्हा कौन बताया था, कौन बताया था इस दूल्हे के बारे में? नारद जी याद आ गए। अब मैना मैया ने इतना सुनाया नारद जी को, घर उजड़ जाए उनका। अरे होगा तब ना उजड़ेगा, उनका तो घर ही नहीं है। मेरी बेटी का बसा बसाया घर उजाड़ दिया, ऐसे पागल के लिए बोले तपस्या करो? पार्वती जी ने कहा, माँ क्या आप ब्रह्मा जी की लेखनी बदल सकती हैं? माँ यदि आप ब्रह्मा की लेखनी नहीं बदल सकती माँ, तो व्यर्थ में किसी को दोष देकर स्वयं को कलंक की भागी क्यों बना रही है? मेरे भाग्य में जो होगा माँ, मैं जहां भी रहूंगी धरती के कोने पर, मुझे वही प्राप्त होगा। आप मेरे गुरुदेव भगवान को दोष न दीजिए। इधर नारद जी वेद शिर आदि मुनियों को लेकर आए। हिमांचल जी से कहे, महाराज आपकी बेटी केवल आपकी बेटी नहीं, जगदम्बा है, शक्ति है, भगवान शिव की अर्धांगिनी है। पिछले जन्म में सती थी, शिव के वचनों पर विश्वास नहीं किया, इसलिए शरीर छोड़ना पड़ा। आपके पुण्य से आपकी बेटी पार्वती बन के अवतार ली है, ये जगदम्बा है। हिमांचल मैना जाकर बारंबार पार्वती जी के चरणों में बंदन करते हैं। बरातियों को भोजन कराया गया और ब्रह्मा जी के कहने पर भगवान शंकर सुंदर पीताम्बर वस्त्र धारण करके मंडप में उपस्थित भए हैं। सखियां मेरी माँ को लेकर आई हैं। मुनियों ने सबसे पहले गणपति भगवान का पूजन कराया। यहाँ कोई संशय नहीं करेगा कि विवाह के पहले गणपति जी कहाँ से आ गए। देवता अनादि है, ना इनका आदि है, ना अंत है। गणपति एक पद का नाम है। जिस प्रकार प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री पद है, उस प्रकार गणपति एक पद है। शंकर जी के विवाह के समय कर विराक्ष इस पद पर सुशोभित थे, और जब से भगवान शंकर के पुत्र विनायक गणपति बने हैं, तब से आज तक वही गणपति के रूप में स्थापित हैं। गणपति भगवान का पूजन हुआ। वेद भगवान ने विवाह की जो विधि बताई है, मुनियों ने पूरी विधि कराई। पानी ग्रहण संस्कार हुआ। बाबा कहते हैं, पानी ग्रहण जब के हर से तब सकल सुरेशा, हर से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनि वर गोचर ही, जय 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 शंकर सुर कर ही। बाजहि बाजन विविध विधाना, भाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नव भय विधि नाना, सुमन वृष्टि
नव भय विधिना हर गिर जाकर भयो विवाहो हर गिर जाकर भयो विवाहो सकल भुवन भरी रहा उछाहो सकल भुवन भरी रहा उछाहो दासे दास तुरग रथ नागा दासे दास तुरग रथ नागा धेनु बसन मनि वस्तु विभागा धेनु बसन मनि वस्तु विभागा अन्न कनक भाजन भरे जा और बैठिए, दो मिनट बैठिए, कथा पूरी नहीं हुई है, दो मिनट और बैठिए, मैं भी शाम कर रहा हूं। कल से कथा 4 बजे प्रारंभ होगी, आज शोभा यात्रा के कारण कथा में विलंब हुआ, कल से ठीक 4 बजे ठाकुर जी के साथ हम यहां विद्यमान होंगे। कल यहां पर हम और आप श्री राम जन्म महोत्सव मनाएंगे, कल भगवान का अवतार होगा यहां पर, बाबा और मैया का विवाह हुआ, त्रैलोक्य बोल पड़ा, बोलिए उमापति महादेव की जय। हिमांचल जी ने इतना दाइज दिया जिसका वर्णन नहीं हो सकता है। आरती न उतारने के लिए मैना जी ने क्षमा याचना की, बाबा ने क्षमा किया। विदा के समय नारी धर्म का पावन उपदेश करके मैना जी ने पार्वती जी को विदा किया है। हिमांचल जी ने बरात को विदा किया, बाबा कैलाश बरात लेकर आए, देवता अपने अपने लोक गए। अनेक काल बीतने के बाद कैलाश में बाबा गणों और मैया के साथ नाना प्रकार से भोग विलास आनंद करते हैं। अनेक काल बीतने के बाद 6 मुख वाले कार्तिकेय स्वामी का जन्म भया है। कार्तिकेय स्वामी युद्ध में देवताओं के सेनापति बनकर ताड़कासुर का अंत किए हैं। आइए एक बार भाव और श्रद्धा के साथ सभी लोग मिलकर बोलिए कार्तिकेय भगवान की जय। स्वामी जी कहते हैं पूरा संसार कार्तिकेय जी के जन्म कर्म प्रताप पुरुषार्थ को जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में सुनाया।